होंगे। आज वक्त ज़ाया किए बगैर चिट चाट भी करूँगी थोड़ी थोड़ी, आप फिक्र ना करें, रेसिपी के दौरान चिट चाट भी करूँगी। तो आपने नान वाला तो मेरा देख लिया, जज़ाकअल्लाह, मेरा नान की रेसिपी वाला, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो कमेंट्स पढ़ूंगी इंशाल्लाह, तो फिर देखूंगी कि क्या हुआ है। लेकिन सेम डे, तो इंशाल्लाह सेम डे ही मैं नान के साथ अपनी एक ज़बरदस्त सी बाल्टी गोश बना रही हूँ। ये हमारा मशहूर रेसिपी हुआ करती थी हमारे रेस्टोरेंट, तो वो मैं आज बना रही हूँ। वो जैसे हमारा शेफ बनाता था, मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। और जैसे वो कहता था कि इसको बाल्टी गोश क्यों कहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चले बनाते हैं हम अपनी लाम बाल्टी। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल टू गेट नोटिफिकेशन। सो फॉर दिस रेसिपी आई टेक अबाउट हाफ अ कप ऑयल। वी नीड मोर ऑयल, ओके? दिस इज, आई नो इट्स लिटिल बिट अनहेल्दी, पर वी नीड ऑयल। तो आपको याद होगा बटर नान में मैंने एक बटर पेस्ट बनाया था, गार्लिक का और कोरिएंडर का और बटर का। बिल्कुल उसी तरह आपने पेस्ट बनाना है, तकरीबन 1.5 स्पून, और वो इस ऑयल में डालना है। सो आई टेक 1 स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून कोरिएंडर पेस्ट एंड 1 स्पून बटर, मिक्स इट एंड आई एम गोना प्लेस दिस इन दिस हॉट ऑयल। जब भी ये वाला बाल्टी डिश मैं बनाती हूँ ना, तो इसकी जो स्मेल ये बटर और गार्लिक और धनिया की आती है ना, तो वो पागल कर देती है। पर हालांकि मेरी स्मेल पूरी तरह वापस नहीं आई, पर यकीन करें कि इसकी स्मेल थोड़ी सी आ गई है मुझे, यानी ये इतनी तेज स्मेल है। अब हम डालेंगे अपना मीट जो कि 1/2 किलो है। सो नाउ आई एम गोना प्लेस माई 1/2 kg लाम लेग। सो कुक दिस फॉर गुड 10 मिनट ऑन मीडियम हीट, कीप स्टेरिंग। तो आपने इसको पूरा 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरह से रोस्टेड सा हो जाए। Also cook it under the lid. आपने लिड के अंदर इसको रखना है 10 मिनट के लिए, कि ये मीडियम हीट पे अच्छी तरह से कुक हो जाए। कुक होगा तो मैं जल्दी जल्दी ये जगह साफ कर लूँ। अभी आपके साथ गपशप नहीं लगा रही हूँ, पर थोड़ी देर बाद आपके साथ गपशप लगा लूंगी। और अभी and now after 10 minutes my meat is proper roasted। और अब क्या करेंगे वो देखिए। Now I'm gonna place 5 tomatoes in the same pan and cook for another 5 minutes under the lid। टोमेटो डाल दिए हैं और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी, ताकि टोमेटो अच्छी तरह से इसमें पक जाए। द लेट लेट को ओपन करें। हेलो, अब टोमेटो इज कुक। सो व्हाट आई एम गोना डू, टेक ऑल द स्किन ऑफ। तो इसकी स्किन को सब ऑफ कर देंगे। आप हाथ से ना करें, मैं हाथ से स्किन ऑफ कर रही हूँ, पर आप ऐसे करें कि आप फोक से ऑफ कर दें।
सारी स्किन जब निकल जाए अब इसको हमने पीसना है। स्किन को कोशिश करें कि कोई स्किन टोमेटो की ना रहे, क्योंकि ये फिर मुंह में आती है और बहुत अच्छी नहीं लगती। नाउ आई एम गोना मैश माय टोमेटो। Now I will place some garlic and some ginger. और अभी मैंने थोड़ा सा garlic और ginger मिला दिया। Now few masala. So just black pepper, chili flakes according to your taste. And salt according to your taste. That's all. Now cook this for another 5 minutes. अगर आपको थोड़ा सा कोई स्किन ऐसे नजर आ जाए तो उसको निकाल दिया करें। इसमें स्किन का होना बिल्कुल नहीं होता है। नाउ आई एम गोना कट द चिली इन द मिडल एंड जस्ट प्लेस इट देयर दस लाइक दैट। द होल ब्यूटी इज दिस चिलीज। सारे ग्रीन चिली को ऐसे जितने आपको पसंद है बस उतने ही ग्रीन चिली डाल दें। हमें तो ज़्यादा चिली पसंद होते हैं तो हम ज़्यादा डालते हैं। स्क्वीज़ हाफ अ लेमन। एंड सम कोरिएंडर। So our balti meat is ready. Yummy. ये देखिए ये हमारी बाल्टी मीट। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा शोरबा भी है। कढ़ाई जो होती है वो ड्राई होती है, ये ड्राई नहीं होती। इसमें ये टोमेटो वाला शोरबा भी होता है। ये बिल्कुल रेडी है, ब्रश बिल्कुल गला हुआ है। सिर्फ 20 मिनट में ये देखिए गोश्त भी गल गया। ये देखिए अमेजिंग खुशबू आ रही है। चले अब चख के भी दिखा देती हूँ आपको। ये मेरी बाल्टी गोश्त रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज थोड़ा कम गपशप लगाया क्योंकि थक गई हूँ। नान भी पकाया, ये भी पकाया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में ज़रूर आपके साथ गपशप लगाऊंगी, चिट चैट करूंगी। तो ये मेरी बाल्टी गोश रेडी है। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए मैं अब ट्राई करती हूँ। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा इसका नान के साथ आता है। तो नान के साथ खाइए इसको। मैं अब जल्दी में विदाउट रोटी ट्राई करती हूँ। मैंने एक पीस ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे लगता है जैसे मलाई की तरह मुंह में मेल्ट हो गया। तो बनाइए, लेकिन लाम का गोश्त यूज़ कीजिए, क्योंकि लाम के गोश्त से ये बिल्कुल 15 मिनट में बन जाते हैं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।